हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचीफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 25 वन लाइनर क्वेश्चंस, जो कि अब की आने वाली एग्जाम राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग मोस्टली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये 25 के 25 क्वेश्चंस आपकी आने वाली एग्जाम आरयू विनिल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो आपको आज का सेशन अच्छे से देखना होगा। साथ ही साथ ये 25 के 25 क्वेश्चन के आंसर आपको ध्यान में रखने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है, इन टोक्यो 2020 ओलंपिक्स हु इज़ द गोलकीपर ऑफ वुमेंस इंडिया हॉकी टीम। ये बोला जा रहा है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में इंडियन वुमेन हॉकी टीम की गोलकीपर कौन है। सो आंसर हो जाएगा सविता पुनिया। सविता पुनिया जो है वो गोलकीपर थी, और सविता पुनिया जो है ये राजस्थान से बिलोंग करती है और राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती है। तो आपको ये स्पेशली ध्यान में रखना होगा कि वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। इसी के साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में इंडिया ने टोटल 7 मेडल्स को जीत लिया है। मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है, इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, देन लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है, बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एंड नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। इसका आपको डिटेल एक वीडियो मिल जाएगा कि टोक्यो 2020 में इंडिया ने कितने मेडल्स जीते, जिन लोगों ने जीते वो कौन से स्टेट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कौन सी कैटेगरी में उन लोगों ने जीता है। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में जल्दी एक वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ और वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो बिफोर एग्ज़ाम आप ज़रूर वो देख कर जाइएगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर टू। रिसेंटली व्हेन वाज द 14th फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर लोकेटेड इन राजस्थान सेलिब्रेटेड। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 14th फाउंडेशन डे IIT जोधपुर ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया, तो वो कौन से दिन मनाया जाता है, तो वो होता है 2nd of August। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि वो 14th ऑफ फाउंडेशन डे था जो कि IIT जोधपुर ने सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। रिसेंटली IIT जोधपुर इनॉग्रेट सेंटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेस। IIT जोधपुर ने इनॉग्रेट किया है एक सेंटर, कौन से डिसीज के लिए उसने सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया। सो आंसर हो जाएगा मस्क्यूलर डायस्ट्रॉफी के लिए IIT जोधपुर ने एक सेंटर इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर फोर। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन इन राजस्थान टू गेट DG रैंक। राजस्थान में रिसेंटली पहली वुमेन DG अपॉइंट हुई है, तो उनका नाम है नीना सिंह। नीना सिंह बनी है राजस्थान की फर्स्ट DG। इसके अलावा आपको फर्स्ट में ध्यान में रखना है, फर्स्ट CM जो है वो थी वसुंधरा राजे, फर्स्ट गवर्नर थी प्रतिभाताई पाटिल, फर्स्ट विधायक थी यशोदा देवी एंड फर्स्ट सरपंच थी छगन बहन गुलेछा। तो ये आपको फर्स्ट वुमेन सारी ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। 64th फाउंडेशन डे ऑफ राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। रिसेंटली 64th फाउंडेशन डे राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सेलिब्रेट किया, तो वो कौन से दिन मनाया जाता है, वो कौन से दिन आता है, ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा 1st of August को होता है RBSE डे, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है अजमेर में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1st of August 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स। हु हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एंड पोस्टेड एज अ चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान अजमेर। आंसर हो जाएगा राजेश्वर सिंह। बोला जा रहा है राजस्थान में किसको चेयरमैन बना दिया गया है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। सो आंसर हो जाएगा राजेश्वर सिंह, जो कि IAS ऑफिसर बने थे 1989 में, उनका जो पोस्ट है वो बढ़ा दिया गया है, उनको चेयरमैन बना दिया गया है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन। हु हैज़ बीन प्रमोटेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट टू द हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्सेस HOFF। HOFF मतलब होता है हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेस। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि किसको प्रमोट किया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द हेड ऑफ HOFF। सो आंसर हो जाएगा डॉक्टर दीप नारायण पांडे, इनको प्रमोट कर दिया गया है और ये बन चुके हैं हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट। नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट स्पिरिचुअल रिसर्च इंस्टीट्यूट परशुराम धाम टू बी सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एट अ कॉस्ट ऑफ 50 करोड़। आंसर हो जाएगा जयपुर।
परशुराम धाम जो है इसे सेटअप किया जा रहा है राजस्थान की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, जिसको कॉस्ट लगेगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट है 50 करोड़ रुपीज़। सो आंसर हो जाएगा जयपुर। ये एक स्पिरिचुअल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है जिसका नाम है परशुराम धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच यूनिट फ्रॉम राजस्थान विल पार्टिसिपेट इन युद्ध एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड रशिया स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अगस्त। ये जो एक्सरसाइज है ये इंदिरा एक्सरसाइज है जो कि 1st अगस्त से 15th अगस्त के बीच में होने वाली है इंडिया और रशिया के बीच में। तो राजस्थान के कौन से यूनिट में इस यहाँ पर पार्टिसिपेट किया ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा कोनार कोर यूनिट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है जिसका हेडक्वार्टर है जोधपुर में। ठीक है, सो आपको ये ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच अमाउंट विल बी गिवन अंडर द चीफ मिनिस्टर्स पब्लिक आर्टिस्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम 2021। कितना अमाउंट जो है वो चीफ मिनिस्टर की पब्लिक आर्टिस्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के लिए अलॉकेट किया गया है, तो वो है 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर गैलरी विल बी सेट अप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर गैलरी जो है वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेटअप की जा रही है, तो वो है जयपुर में सेटअप की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम वेयर विल बी द बाम्बू प्लांटेशन बी स्टार्टेड टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ स्लीपिंग ऑफ सैंड ड्यून्स इन द इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया ऑफ राजस्थान। सो आंसर हो जाएगा तनोट जैसलमेर। कहाँ पे बाम्बू की प्लांटेशन की जा रही है, क्योंकि वहाँ पे राजस्थान की जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो सैंड ड्यून्स है वहाँ पे स्लीप हो रही थी, इस वजह से वहाँ पे बाम्बू का प्लांटेशन किया जा रहा है। सो वो कहाँ पर किया जा रहा है, तनोट जैसलमेर में किया जा रहा है। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा तनोट जैसलमेर में बाम्बू का प्लांटेशन किया जा रहा है ताकि वो जो सैंड ड्यून्स का स्लीपिंग हो रहा है उस प्रॉब्लम से उनको छुटकारा मिले। राजस्थान इंटरनेशनल बॉर्डर जो शेयर करता है वो है 1,070 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13, रूरल ओलंपिक गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज इन राजस्थान इन विच हाउ मेनी स्पोर्ट्स आर इन्वॉल्व इन दिस। रूरल ओलंपिक्स होने वाले हैं राजस्थान में, तो उसमें कितने स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व किया गया, सो आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच रेलवे स्टेशन इन राजस्थान विल बी डेवलप इन टू अ मॉडर्न स्टेशन इक्विप विद स्टेट ऑफ द आर्ट एमिनिटीज। मतलब कि राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन जो है जिसको एकदम मॉडर्न तरीके से मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ उसे बनाया जाएगा, उसे डेवलप किया जाएगा, सो वो है उदयपुर का रेलवे स्टेशन। तो इसका आंसर आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ द विनर ऑफ यंग चेंज मेकर फीमेल प्लान इंडिया इम्पैक्ट अवार्ड 2021। आंसर हो जाएगा दिशा टंडन, जिन्हें मिला है यंग चेंज मेकर फीमेल प्लान इंडिया इम्पैक्ट का अवार्ड 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लॉन्चेस विच एप्लीकेशन थ्रू विच वन कैन इजीली परचेस एंड सेल ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन स्टेट ऑनलाइन। राजस्थान स्टेट ने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जहाँ पे हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को परचेस भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। सो उस एप्लीकेशन का नाम है राज किसान ऑर्गेनिक ऐप। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ध्यान में रखने होंगे। आपकी एग्ज़ाम अभी रिसेंटली जल्दी होने वाली है, आने वाले 1 से 1.5 महीने में आपकी एग्ज़ाम रहेगी, और इसीलिए आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इन जुलाई 2021 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ उदयपुर अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। जुलाई में उदयपुर का स्मार्ट सिटी मिशन में कौन सा रैंक है, सो वो है 5th रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वेयर विल बी द 4th हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम ऑफ राजस्थान बी बिल्ट। मतलब कि 4th हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम राजस्थान पे कहाँ पर बिल्ट होने वाला है, सो वो होगा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच डिस्ट्रिक्ट डॉटर्स विल बी गिवन फ्री सफारी इन रणथंबोर नेशनल पार्क अंडर द म्हारी लाडो स्कीम। म्हारी लाडो स्कीम के तहत कौन से डिस्ट्रिक्ट की डॉटर्स को फ्री में सफारी मिलेगी रणथंबोर नेशनल पार्क में, सो वो है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की जो लड़कियां है, वहाँ की जो डॉटर्स है, उन लोगों को फ्री में सफारी मिलेगी रणथंबोर नेशनल पार्क में अंडर म्हारी लाडो स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20, विच मिनिस्टर हैज़ बिन सिलेक्टेड एज अ कैबिनेट मिनिस्टर फ्रॉम राजस्थान कोटा इन मोदी कैबिनेट 2.0।
आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। मोदी कैबिनेट में राजस्थान कोटा से किसे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, तो वो है भूपेंद्र यादव जिन्हें बनाया गया है मोदी 2.0 के मिनिस्ट्री में कैबिनेट मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान अ न्यू एयरपोर्ट विद द स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी विल बी ओपन। राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में नया एयरपोर्ट आर्ट फैसिलिटी के साथ ओपन किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कोटा। कोटा का जो एयरपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी के साथ ओपन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इन राजस्थान द फॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर फंड ऑफ हाउ मच रुपीस हैज बीन अप्रूव। राजस्थान में एम्प्लॉय वेलफेयर फंड के फॉर्मेशन के लिए कितने रुपीस को अप्रूव किया गया, सो आंसर हो जाएगा 3000 करोड़ रुपीस को अप्रूव किया गया एम्प्लॉय वेलफेयर फंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मेनी लाख रुपीज वर गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू ईच प्लेयर गोइंग फ्रॉम राजस्थान टू ओलंपिक्स। कितने लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट देगी हर एक प्लेयर को जो भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं और वो लोग ओलंपिक्स के लिए गए, तो वो 5 लाख रुपीज़ देंगी ईच प्लेयर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24। वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट पंचकर्मा पार्क टू बी सेटअप इन राजस्थान। इंडिया का लार्जेस्ट पंचकर्मा पार्क जो है वो राजस्थान पे कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, तो वो सेटअप किया जाएगा जोधपुर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में पंचकर्मा पार्क को सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मच हैज़ बिन इंक्रीज इन द मिनिमम वेजेस ऑफ लेबरर्स फॉर ईच कैटेगरी इन राजस्थान पर डे। राजस्थान में जो भी लेबरर्स है सारे कैटेगरीज के उनका जो पर डे का इनकम है जो वेजेस है वो बढ़ा दिया गया है, तो वो कितने रुपए से बढ़ा दिया गया है, 27 रुपए से बढ़ा दिया गया है। सो ये थे आज के हमारे क्विक वन लाइनर 25 questions। सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।